हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने यूसेट टेस्ट के मैथमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो आखिर तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है ए स्क्वायर बटा हुआ वाई की पावर क्यूब होल की पावर स्क्वायर। ये एक एमसीक्यूज है। इसकी सलूशन ये है, आपको पता है जब किसी पावर पर दूसरा पावर आ जाते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इसके साथ कर लिया और इसको इसको कर लिया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो एस की पावर 4 बटा हुआ वाई की पावर 6। ये इस एमसीक्यूज की सलूशन है, इसकी आंसर है। दूसरा एमसीक्यूज है हमारे पास यू स्क्वायर ज़र्ब यू की पावर -5 ज़र्ब यू की पावर 1। इसकी सलूशन ये है कि जब किसी बेस एक हो मल्टीप्लिकेशन में तो उस पर जो पावर होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एड करते हैं, एडिशन करते हैं उसकी। तो हम इसको देखे सलूशन, इसको देखे, इसको 1 हमने लिया तो 2 -5 +1 इसको हमने जमा कर लिया तो इससे आता है -3 +1 = 2 -2। तो ये इसका क्या हो गया, u^-2 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा है, तीसरा एमसीक्यूज है लॉग बेस ए प्लस लॉग बेस बी। तो इसका जो सलूशन होता है, हमारे पास रूल है कि जब लॉग में प्रमिटेशन हो जाता है, एडिशन आ जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, तब्दील करते हैं। तो इसका जो सलूशन है वो लॉग बेस ए बी है, उसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चौथा जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो ये 0.00042। इसको हम फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जब इसको हम फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि जो पॉइंट है उसके लिए हमने नीचे 1 लगाना है और इसके बाद जितने भी हिंट से आ जाते हैं, डिजिट आते हैं, उसके लिए हमने क्या लगाना है, 0 0, क्या लगाना है, 0 लगाना है। तो इसके लिए पॉइंट के लिए हमने 1 लगाया और इसके बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 जो है ना हमने क्या क्या लगाए, 0 इसके लिए लगाए, और जो 42 है वो हमने वैसे ही ऊपर क्या लगा दिया। तो इसका जो आंसर हो गया वो हमारे पास ये हो गया। पांचवा एमसीक्यू जो हमारे पास है ए प्लस बी की पावर हो स्क्वायर। इसका जो हमारे पास वो होते हैं, जब हम इसको कॉल ओपन करते हैं तो इसका जो आंसर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है ना इसका हो गया, आंसर हो गया। सिक्स एमसीक्यू हमारे पास है (9x+2)=x। इसमें हमने एक्स की वैल्यू जो है ना फाइंड करनी है। जब हमने इसके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो 9x यहाँ पर एक से प्लस या जहाँ यहाँ पर आ जाएंगे तो -x हो जाएगा और यहाँ पर जो प्लस 2 है वो मसावत की इस तरफ जो है ना -2 हो जाएगी। तो 8x = -2, तो हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो -2/8=x तो है ना हो गया। तो इसको हम काट करते हैं, मुख्तसर करते हैं, वो 2 1 2 4, तो इसका हो गया -1/4, इसका क्यों ना आंसर हो गया। अब हमारे पास है 7 है डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स, हमारे पास साइन ऑफ एक्स की पावर एक्स क्या है वो इसकी आंसर हो गई। दूसरा है डेरिवेटिव ऑफ एक्स कॉस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ 2x है। तो इसका सलूशन हमारे पास हो गया 2 sin of 2x। 2 को हमने उसको बाहर निकालना है और साइन ऑफ 2x डेरिवेटिव हमारे पास साइन ऑफ 2x के बराबर है। दूसरा है मल्टीप्लाई है -4/5। तो -4/5 = 20 और हमने पढ़ा है कि -(+) = हमारे पास -4 आ जाते हैं और 4 = 20 आ जाते हैं, तो इसका आंसर -20 आ गया। इसके बाद है हमारे पास बहुत सिंपल एमसीक्यूज हैं -4+5 -10+5। तो इसका इसमें हमने जो है ना
सिंप्लीकेशन करनी है तो 5 प्लस मनफी 5 जो है ना हमने किया कर लिया, कट कर लिया, कैंसिल हो गए एक दूसरे से, तो मनफी 4 मनफी 10 इज इक्वल टू मनफी 14। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे मैंने आपके साथ शेयर कर लिए उस सेट के, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंशाल्लाह मज़ीद आपके लिए मैंने वीडियो बनाऊंगा आपके लिए यू सेट टेस्ट के लिए इंशाल्लाह प्रिपरेशन के लिए। सो गाइज़ अल्लाह हाफिज़।